इन दिनों पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर और भारतीय नागरिक सचिन मीणा की प्रेम कहानी सभी के जुबान पर है। सचिन और सीमा एक दूसरे से शादी करने का दावा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों ने नेपाल के एक मंदिर में शादी कर ली है। इस बीच ये सवाल उठना लाजमी है कि किसी भारतीय नागरिक के किसी पाकिस्तानी से शादी करने के क्या कानून हैं? कैसे शादी को रजिस्टर करा सकते हैं? कौन कौन से दस्तावेज शादी के लिए जरूरी हैं? इसके साथ ही वीडियो में ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान का कानून शादी को लेकर क्या कहता है। भारतीय संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे किसी भारतीय पुरुष या महिला के पाकिस्तानी नागरिक होने के तहत शादी रोकी जा सके। भारतीय कानून के मुताबिक भारत के किसी नागरिक का किसी पाकिस्तानी से शादी करना गैर कानूनी नहीं है। भारतीय कानून किसी भी बालिक को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार देता है। विवाह में जाति, धर्म, क्षेत्र, यहाँ तक कि देश की सीमाएं भी बाधा नहीं बन सकती हैं। हिंदू मैरिज एक्ट और AIMPL के तहत शादी हो सकती है। लड़का और लड़की का बालिग होना जरूरी है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी दर्ज की जाएगी। इसी एक्ट के तहत भारतीय और विदेशी शादी कर सकते हैं। शादी करने से पहले 30 दिन का पब्लिक नोटिस देना होगा। सीमा और सचिन इसी एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं। विदेशी से शादी करने के लिए जरूरी दस्तावेज, दोनों को शादी से पहले आवेदन करना होगा। आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर एक नोटिस रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रकाशित होगी। नोटिस प्रकाशित होने के 30 दिन बाद शादी कर सकते हैं। शादी के लिए विदेशी पार्टनर का पासपोर्ट होना जरूरी है। भारत में 30 दिन से ज्यादा रहने का प्रूफ देना होगा। लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। इसमें दोनों का जन्म प्रमाण पत्र और दो फोटो लगेगा। तलाकशुदा हैं तो डिवोर्स सर्टिफिकेट देना होगा। विधवा या विधुर हैं तो पार्टनर का डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म के रीति रिवाज से शादी करता है तो उसे बाद में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत शादी रजिस्टर कराना होता है। अगर किसी दूसरे धर्म के लोग इस एक्ट के तहत शादी करना चाहते हैं तो वे धर्म परिवर्तन करके शादी कर सकते हैं। शादी के बाद कब मिलती है नागरिकता? अधिकतर लोग यही समझते हैं कि विदेशी पार्टनर से शादी करने पर आसानी से भारतीय नागरिकता मिल जाती है। इसके बारे में कानून के जानकारों का कहना है कि सिर्फ शादी कर लेने से ही किसी को भारतीय नागरिकता नहीं मिल जाती है। नियम के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की शादी भारतीय नागरिकता वाले व्यक्ति से हुई है और वो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में रहा है तो उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है। भारत में की गई शादी पूरी दुनिया में मान्य। अगर बालिक लड़का लड़की कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत किसी भी नागरिक समारोह में शादी कर सकते हैं। भारत में की गई कानूनी शादी पूरी दुनिया में मान्य होगी। क्या कहता है पाकिस्तानी कानून? पाकिस्तान में भी विदेशी से शादी करने पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन विदेशी पार्टनर को पाकिस्तान की नागरिकता मिलने के मामले में एक पेंच है। पाकिस्तान की नागरिकता लेने का प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1951 में मौजूद है। अधिनियम की धारा 10 के तहत अगर कोई पाकिस्तानी पुरुष किसी विदेशी महिला से शादी करता है तो वो पाकिस्तानी नागरिकता हासिल करने का हकदार है। वहीं महिलाओं को किसी विदेशी पुरुष से शादी करने में ये अधिकार नहीं दिया गया है। साल 2000 में इस कानून में कुछ बदलाव किए गए। इसके तहत किसी पाकिस्तान की नागरिकता वाले माता पिता के बच्चों को पाकिस्तानी नागरिकता दी जाएगी।